Hello students, good morning all of you. My dear students, अभी तक आपने काफ़ी मेहनत की, I accepted. तो आपने वेरी सुन तीन चैप्टर्स कवर अप कर लिए. सो आज मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताऊँगा जहाँ से आपकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होती है. यानी आज हम स्टार्ट करेंगे 11th स्टैंडर्ड में जर्नल एज एन अकाउंट सब्जेक्ट. जर्नल जो है आपका एक बेसिक चैप्टर है, बेस में भी बेस. तो स्टूडेंट्स कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि ये चैप्टर्स अगर आपको आएगा तो ही आप आगे की जो सम्स करोगे, जो भी आप ऑब्जर्वेशंस क्रिएट्स करोगे, यानी जो भी आगे के सम्स होंगे, दैट इज अ सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स, डेप्रिशिएशन, रेक्टिफिकेशन, जितने भी चैप्टर्स हैं, एक भी चैप्टर्स ऐसा नहीं है जो जर्नल के बिना हो. इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, इस चैप्टर्स को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपके आगे जितने भी जागे आप कोर्सेज करोगे अकाउंटिंग में, बिना जर्नल के कोई भी अकाउंट पॉसिबल नहीं है. इसलिए आपका ये बेस कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इसलिए आप आगे 12th कॉमर्स में या फिर बीकॉम, सीए, सीएस, जहाँ भी आप जाओगे, आपके लिए स्पेशल ये चैप्टर्स आपको आना ही चाहिए. ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके कहीं चेंज नहीं होने वाले. ओके, सो विल स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, जर्नल. जर्नल है क्या, पहले इसके बारे में समझना है. ये कैसे आया, ये क्यों आया, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, वो पहले हमारे अंडर में होना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट. फॉर फर्स्ट टॉपिक इज अ इंट्रोडक्शन. हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शंस करेंगे कि एक्चुअली जर्नल है क्या, व्हाट इज अ जर्नल. तो सबसे पहले पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि मेनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्रिएट्स इन डेली लाइफ. जैसे कि बिजनेस में कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एनी टाइप, एनी पर्सन, तो उसकी लाइफ में एवरी डे टू डे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आते हैं. एज अ सॉल प्रोपराइटरशिप है, या फिर पार्टनरशिप है, या फिर कंपनी है. कंपनी में तो एक दिन में हजारों लाखों ट्रांजेक्शन्स होते हैं. क्यों? क्योंकि वो जितना बड़ा बिजनेस होगा, ट्रांजेक्शन्स कैपेसिटी उतनी ही आगे जाएगी. इसलिए हर एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना जरूरी है. क्यों रिकॉर्ड करना है, तो आपको चैप्टर 1 और 2 में आपने देखा, एक एविडेंस के तौर पर. और आपके यूजर्स जो होते हैं, अकाउंटिंग यूजर्स को वो ट्रांजेक्शन देखना जरूरी होता है एज पर इट्स टर्मिनोलॉजी. ऑलरेडी जो आपने सीखा है चैप्टर 1 में, तो वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है. और हर एक ट्रांजेक्शन्स आपके डेली लाइफ में आएंगे एज अ बिजनेसमैन इन अ सोल प्रोपराइटरशिप. आप जो भी पढ़ रहे हो सोल प्रोपराइटरशिप में पढ़ रहे हो, भले चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, लेकिन ट्रांजेक्शन्स डे टू डे होंगे ही आपके, क्योंकि बिना ट्रांजेक्शन्स के आपका बिजनेस ही नहीं चल सकता. इसलिए उसको ट्रांजेक्शन्स को हर एक सिचुएशंस पर आपके ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बार बार आप जर्नल तो नहीं लिखोगे ना, क्योंकि जर्नल क्या है, सिस्टमेटिक वे पर जाता है और उसमें करेक्शन नहीं करना. ये भी आपने सीखा था अकाउंटिंग में, कहीं पर भी पेन का क्रॉस मार्क या वाइटनर वर्ड्स वाइटनर नहीं यूज कर सकते. तो इसलिए सारे ट्रांजेक्शन्स को याद करने के लिए, टू रिमेंबर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इजीली, सम बिजनेसमैन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स इन अ रफ बुक. कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, उस ट्रांजेक्शन्स को रफ बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, वाउचर्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं. वाउचर्स का मतलब कि जो आपके पास एक मेमो टाइप होता है, जिसमें ऑन द स्पॉट अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास रखने के लिए, एक रिकॉर्ड रखने के लिए, आप सामने उसको वाउचर, उसको एक कॉपी दे दोगे और एक कॉपी आपके पास रखोगे. जिससे क्या होगा, जितने वाउचर्स होंगे उस वाउचर्स के बेस पर आप अपनी जर्नल एंट्री घर आके करेक्शंस कर सकते हो, घर आके उसको रिकॉर्ड कर सकते हो. हर एक पोजीशंस पर आपको अगर ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं, बाहर जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, ट्रांजेक्शन्स क्रिएट्स हो रहे हैं, तो एट दैट टाइम आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड बार बार जर्नल बुक तो लेके हर जगह नहीं घूमोगे. तो क्या करोगे, आप अपने पास एक छोटी सी रफ बुक रखोगे, या तो आप रफ बुक में रिकॉर्ड करोगे, या तो उसको किस में रिकॉर्ड करोगे, वाउचर्स में. सो ट्रांजेक्शन्स वुड नॉट स्किप, इसलिए आपका ट्रांजेक्शन स्किप नहीं होगा, वो ट्रांजेक्शन स्किप नहीं होगा.
अगर कोई भी ट्रांजेक्शन स्किप हो गया तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, और बैलेंस शीट टैली नहीं होगी तो आपको फिर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो, इवन इफ आप लॉस में भी जा सकते हो, और आपके वो पैसे एज अ बैड डेब्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने क्रेडिट में कोई सेल्स किया है, डेटर्स का वो रिकॉर्ड करना भूल गया, अगर डेटर्स वो आप उससे पैसे मांगने जा रहे हो तो डेटर्स सामने आपको क्या पूछेगा, भाई मैंने कौन सा ट्रांजेक्शन किया था, क्या रिकॉर्ड है मेरा आप बताओ। तो जब उसका रिकॉर्ड अब आपके पास नहीं होगा, स्किप हो गया होगा, तो फिर पोजीशंस क्या होगी कि आपके वो पैसे वो नहीं देगा, तो भी आप उसके ऊपर कोई क्लेम या केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं। इसलिए कोई भी ट्रांजेक्शन स्किप ना हो, इसके लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, या तो रफ बुक रखेंगे या वाउचर रखते हैं, उसमें ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे कोई भी ट्रांजेक्शन आपके स्किप ना हो। ओके, देन जर्नल क्या है, तो अ रिकॉर्डिंग प्रोसेस इन अ सिंपल मीनिंग, रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स इज अ जर्नल। आपने जो चैप्टर टू में रूल्स सीखे डेबिट एंड क्रेडिटेड, इसीलिए मैंने आपको बताया था चैप्टर्स टू बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द चैप्टर फोर। जर्नल के लिए आपके चैप्टर्स टू इंपॉर्टेंट है, आपने तीन रूल सीखे थे, एंड दैट इज अ पी आर एन। इसके रूल्स थे डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स थे इसके, पर्सनल रियल एंड नॉमिनल। तो यही रूल्स आपको एप्लीकेबल किसमें करना है, एज अ जर्नल। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस आप करते हो अकॉर्डिंग टू योर रफ बुक या फिर वाउचर्स के बेस पर आप वो ट्रांजेक्शंस देखते हो, ट्रांजेक्शंस को क्लासीफाई करते हो, फिर इंटरप्रिटेशन करते हो, फिर अकॉर्डिंग टू योर रूल्स आप क्या क्रिएट्स करते हो, जर्नल क्रिएट्स करते हो डेबिट एंड क्रेडिट के बेस पर। फर्स्ट बुक जो आप रिकॉर्ड करते हो दैट इज अ जर्नल इन अ सिंपल मीनिंग। तो ये आपको पता चल गया जर्नल क्यों आया, जर्नल कैसे हम करते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो ट्रांजेक्शन स्किप ना हो इसके लिए पहले हम उसको रिकॉर्ड करते हैं एज अ रफ बुक। आपको अगर एग्जाम में पूछे व्हाट इज अ रफ बुक, तो आपको ध्यान रखना है कि सारे ट्रांजेक्शंस को टू रिमेंबर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इजीली एंड सम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इजीली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन अ रफ बुक, सो दैट इज अ रफ बुक। एंड सेकेंड रिकॉर्डिंग वो प्रोसेस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिकली जो आप रिकॉर्ड करते हो दैट इज अ जर्नल। ओके, तो ये तो आपका एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट्स हो गया। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पार्ट्स, जर्नल बुक। आपकी जर्नल बुक है क्या, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगी। एज एन एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है व्हाट इज अ जर्नल बुक, तो जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन है, और डिफाइन आप अपने मन से क्रिएट्स नहीं करते हो, मैंने आपको पहले भी बताया। तो जर्नल बुक इज अ फंडामेंटल बुक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, सिंपल मीनिंग है, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। बेटा बस खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि एक्चुअली जो डिफाइन अगर हो ना उसको थोड़ा टुकड़े में डिवाइड कर दो, तो आपको डिफाइन क्या है और इजी लग जाएगी। जर्नल बुक इज, फर्स्ट पार्ट ये है जर्नल बुक है क्या, तो फंडामेंटल बुक है, किसकी है, डबल एंट्री सिस्टम। क्योंकि आपको पता है कोई भी एंट्री अगर आप लिखते हो तो वो डबल एंट्री सिस्टम में आता है, क्योंकि आपके पास दो ही रूल्स है, एक डेबिट का है और एक किसका है, क्रेडिट का है। इसीलिए जो जर्नल बुक है आपकी वो ऐसी फंडामेंटल बुक है जिसमें डबल एंट्री सिस्टम इंक्लूडेड होता है। इसीलिए फिर से डिफाइन बन गई आपकी कि जर्नल बुक इज अ फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दैट्स अ क्लियर सिंपल मीनिंग है। ओके, जर्नल बुक आपकी कैसी है, एक फंडामेंटल। फंडामेंटल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जर्नल में आप सिस्टम से जाते हो, बिना एरर के एंट्रीज देते हो, इसलिए उसको एक फंडामेंटल बुक्स कहा जाता है। वो इसीलिए फंडामेंटल है क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस और सिस्टम्स के बेस पे जाता है। आपने मैंने वही बताया पहले रफ बुक में ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हो, बट ऑन द स्पॉट इसमें क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें आपको सिस्टम से जाना है, इसीलिए इसको फंडामेंटल बुक्स कहा गया है। किसकी फंडामेंटल बुक्स है, डबल एंट्री सिस्टम। क्यों, क्योंकि एज पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ड्यूअल एंट्री सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इट इज अ बेसिक फंडामेंटल बुक। उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक फंडामेंटल बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहला ट्रांजेक्शंस आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, जर्नल। बिना जर्नल के आप कोई भी अकाउंट्स नहीं बना सकते, कोई भी लेजर नहीं बना सकते, कोई बुक्स तैयार नहीं होगी, जैसे आपकी सब्सिडरी बुक्स है, कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस शीट है, फाइनल अकाउंट है, वो सब तब तैयार हो सकते हैं जब आपका जर्नल परफेक्ट होगा। इसीलिए जर्नल को क्या कहा गया, एज अ बेसिक बुक, वो आपकी बेस है। अगर बेस ही बिगड़ गया, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल स्कूल लाइफ में अगर आपका नर्सरी जूनियर सीनियर ही बिगड़ गया, तो
तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपका वो चीज़ वीक ही रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स के मैथ सब्जेक्ट वीक होते हैं, रीजन क्या है, उन्होंने स्टैंडर्ड नर्सरी जूनियर के और सीनियर और फर्स्ट स्टैंडर्ड में अच्छी तरीके से मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं की। तो ये भी एक आपका क्या है, एज अ जूनियर के जी ही है। क्यों जूनियर के जी है, क्योंकि आप यहीं से बेसिक इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स कर रहे हो इन अ कॉमर्स लाइन। कॉमर्स का आपका फर्स्ट स्टेप ही यही है, और ये क्या है एक बेसिक बुक, इसीलिए कहा गया है क्योंकि आपको पहले जर्नल आनी चाहिए। कोई भी ट्रेडर्स होगा, कोई भी बिजनेसमैन होगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, सबसे पहले वो क्या क्रिएट्स करेगा, जर्नल करेगा, क्योंकि जर्नल के ही बेस पे आप आगे फंडामेंटल एक्टिविटीज कर सकते हो। ओके, तो जर्नल कहां से आया, तो वो भी याद दिया है, द फ्रेंच वर्ड जर, फ्रेंच वर्ड जर मींस डे। फ्रेंच का एक वर्ड निकला था जर, जर का मतलब है डे। जर्नल का मीनिंग के हिसाब से दो टुकड़ों में डिवाइड किया एज अ जर। जर मींस की डे, डे यानी कि हर दिन आप कौन से ट्रांजेक्शन कर रहे हो डेली बेस पर, वहीं से फ्रॉम विच द वर्ड्स जर्नल इज डिराइव, उसी पर से जर्नल वर्ड्स आया। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि जर्नल वर्ड्स कहाँ से आया, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, तो आप उनको बता सकते हो जर्नल वर्ड कहाँ से आया, फ्रेंच वर्ड जर, जर मीन्स डे, उस पर से ही आपका जर्नल वर्ड्स क्रिएट्स हुआ इन अ मार्केट। मीनिंग ऑफ विच डेली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसका मीनिंग क्या है, डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, हर दिन के ट्रांजेक्शंस आप रिकॉर्ड करोगे, कौन से ट्रांजेक्शंस, डेली रिकॉर्ड, ध्यान रखना डेली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, क्योंकि जर्नल एक ऐसा है हर दिन के, मंथली बेस पर हो या ईयरली बेस पर हो, डेली बाय डेली आपको हर दिन के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, और इसीलिए आपको जर्नल प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो कहाँ से निकला था, फिर से ध्यान रखना, जर, जर मीन्स डे, और उसी पर से जर्नल आया जिसको आप डिराइव करते हो एज एन daily recording transactions. Then second is, it is also known as the book of original entry. ये जो मैंने color chalk से लिखा उसको खास importance में लेना कि उसका दूसरा नाम है original entry. उसको आप original entry भी कह सकते हो, fundamental books भी कह सकते हो, दोनों चीज़ें। एक आपकी कौन सी है, fundamental books. And second is original entry. Exam में अगर आवे तो आप लिख सको। फंडामेंटल बुक्स ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिनल एंट्री, ऑल्सो कॉल्ड जर्नल्स अदर नेम। ओके, आफ्टर हैविंग एंट्रीज इन अ जर्नल बुक डिफरेंट अकाउंट्स आर ओपन एंड पोस्टिंग इज मेड। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जर्नल जब आप तैयार कर लोगे तो जर्नल की एंट्री पे से ही, जर्नल की एंट्री पे से ही आप अलग अलग टाइप्स के अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो, ओपन कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग कर सकते हो। जैसे कि आपने जर्नल बनाए, जर्नल बनाए जैसे आपने चैप्टर वन में देखा था, जर्नल के बेस पे आप क्या तैयार करोगे, सब्सिडरी बुक्स और कैश बुक, ये दो बुक तैयार होगी। उसके बाद आपके लेजर तैयार होते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस शीट तैयार होती है, और लास्ट में आप क्या करते हो, फाइनल अकाउंट। यानी ये सारा सिस्टम जो आपका है वो कहाँ से क्रिएट्स होगा, एज एन जर्नल, इसीलिए इसको कहा गया है एज अ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नेसेसिटीज, क्योंकि जब जर्नल प्रिपेयर करोगे उसके बाद ही आप आगे का वर्कआउट कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ ये पॉइंट अपने दो पॉइंट्स कवर हो गए, एज एन इंट्रोडक्शन जर्नल कैसे आया, जर्नल की डिफाइन क्या है और कहाँ से निकला है, कौन से वर्ड से। अब नाउ टर्न टू द नेक्स्ट टॉपिक एज एन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको अभी कैरेक्टरिस्टिक्स से जब आप उस पॉइंट पर आओ तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लेनी है, और टेक्स्ट बुक को भी अब अगर आप रीड करो तो भी चलेगा, या पहले जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझो फिर आप एक बार टेक्स्ट बुक भी रीड कर लें। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कौन कौन से है एज एन जर्नल, तो फर्स्ट आपका है ओरिजिनल बुक। क्यों आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिनल बुक क्यों दी है, क्योंकि जर्नल एक ऐसा है जिसमें आप सबसे पहले ट्रीटमेंट करते हो। ओरिजिनल बुक इसीलिए कहा गया है क्योंकि मैंने आपको बताया था इज एन अ बेसिक बुक, आप सबसे पहले एंट्रीज कहाँ दोगे, एज एन अ जर्नल, आप जर्नल पहले दोगे, जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आप क्लासिफाइड करके सबसे पहले एंट्रीज दोगे उसकी, जर्नल एंट्रीज एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट्स पर्सनल रियल एंड नॉमिनल, ये तीन ब्रह्मास्त्र को तो याद ही रखना है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, फर्स्ट एंट्रीज दोगे, फर्स्ट ट्रीटमेंट आप करोगे,
इसीलिए आपका सबसे पहला ट्रीटमेंट वहां जाएगा, रिकॉर्डिंग इन अ जर्नल, इसीलिए इसको एज एन फंडामेंटल या फिर ओरिजिनल बुक्स कहा जाता है। तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें अंदर है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? ड्यूअल इफेक्ट। ड्यूअल इफेक्ट का मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो, इजन हम क्या सीख रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम में दो रूल्स होते हैं, अपने चैप्टर टू में भी देखा, पहला डेबिट एंड सेकेंड इज क्रेडिट। तो जो भी ट्रांजेक्शन है तो आपकी उसकी क्या होनी चाहिए, ड्यूअल इफेक्ट होनी चाहिए जर्नल के बेसिस पर भी। एक आपकी डेबिट इफेक्ट होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, क्रेडिट इफेक्ट, दो लेवल पर होनी चाहिए। एंड थर्ड इज अ टू कॉलम फॉर अमाउंट। अमाउंट के इसमें कितने, दो कॉलम होते हैं, वही बेसिस पर आया। अगर आपकी ड्यूअल इफेक्ट है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो जब आप जर्नल लिखते हो तो अमाउंट भी जब आप लिखोगे तो दो कॉलम में इंट्रोड्यूस करोगे इसको, अमाउंट को दो कॉलम में डिवाइड करोगे। एक डेबिट का तो डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिखोगे, सेकेंड इज क्रेडिट है तो क्रेडिट के कॉलम में उस अमाउंट को आप रिकॉर्डिंग करोगे। तो इस बेस पे आप क्या कर रहे हो, दो कॉलम क्रिएट्स कर रहे हो और उस दो कॉलम को वन बाय वन उसमें अकाउंटिंग एंट्री प्रोवाइड्स कर रहे हो। ओके, देन सेकेंड इज ऑर्डर ऑफ डेट। ऑर्डर ऑफ डेट का मतलब ये होता है कि आप कभी भी जर्नल आगे पीछे नहीं कर सकते हो। इसीलिए बेटा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जर्नल आप अगर हर एक ट्रांजेक्शन देख रहे हो तो उसको सबसे पहले बिजनेसमैन कहाँ रिकॉर्ड करेगा, एज एन रफ बुक। रफ बुक में इसलिए करता है क्योंकि उसको सिस्टम से जाना होता है। कहाँ से जाना होता है, एज एन सिस्टम। तो सिस्टम के बेसिस के अकॉर्डिंग आपका जो जर्नल है वो ऑर्डर ऑफ डेट के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, एक आपने गुड्स परचेज की फर्स्ट डेट को, एक 11 डेट को की और एक 15 डेट को की। अब अगर आप जर्नल 15 डेट वाला फर्स्ट में लिख दे रहे हो तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 से पहले आपने फर्स्ट में की, आपने कितनी कैश फर्स्ट में गई, कितनी कैश आई, सेकंड में कितना हुआ, थर्ड में कितना, ऐसे अगर सिक्वेंस में करते हो तो आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई। नहीं तो क्या है, जब आप उसको लेजर पोस्टिंग करोगे ना, एक आपका आता है लेजर फोलियो नंबर, तो जब लेजर पोस्टिंग करोगे वहां पर दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको हमेशा किसमें करना चाहिए, किसमें होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ डेट में। डेट कभी भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। कभी जैसे एग्जाम में आप सोचते हो ना कि स्टूडेंट्स काफी टाइम क्या कहते हैं कि सर मुझे सेकेंड डेट वाला नहीं आ रहा है और 10 डेट वाला ट्रांजेक्शन आ रहा है, तो मैं 10 डेट वाला पहले लिख देता हूँ, सेकेंड डेट वाला नीचे लिखूंगा, तो उसका सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कभी भी जर्नल को आगे पीछे नहीं ले सकते हो। हाँ, अगर आपको नहीं आ रहा है सेकेंड डेट का तो वहां पर सेकेंड डेट डाल के उतना स्पेस छोड़ दो, जब आपको बाद में आ रहे आंसर तब आप उसमें लिखो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि नीचे वाले ट्रांजेक्शन आ रहे थे वो मैं पहले लिख दूँ और ऊपर के ट्रांजेक्शन नहीं आ रहे तो वो मैं नीचे लिखूँ, तो जर्नल पूरा रॉन्ग होगा, आपको जीरो मिल जाएगा। इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जर्नल हमेशा डेट के सिक्वेंस में होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज अ नरेशन। वो तो आपको पता ही है कि आप अगर कोई भी जर्नल एंट्रीज दे रहे हो तो बिना नरेशन के पॉसिबल नहीं। नरेशन दैट मीन्स बीइंग, यानी कौन सी एक्टिविटी आपने की, कौन सा रीजन आया ट्रांजेक्शंस में, क्या हुआ, परचेज हुआ कि सेल हुआ, कि एसेट्स सेल की या एसेट्स परचेज की, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कि डेबिट की कैश ट्रांजेक्शन है, तो वो कौन रिप्रेजेंट करता है एज ए नरेशन, तो उसका नरेशन भी होना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो आपके अकाउंटिंग यूजर्स हैं उनको एक्चुअली इजीली समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर नरेशन। नरेशंस को अगर देख लेगा तो वो अच्छी तरीके से समझ सकता है। ओके, तो आपने पांच कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखी। एग्जाम में अगर आ रहे तो आप इसमें से दो या तीन लिख सकते हो। ध्यान रखना है फिर से, उसको क्या कहा जाता है, ओरिजिनल बुक कहा जाता है क्योंकि उसको सबसे पहले उसमें ट्रीटमेंट होती है। सेकेंड, ड्यूअल इफेक्ट, क्योंकि उसकी दो इफेक्ट होती है, एज एन ड्यूअल एंट्री सिस्टम होनी चाहिए। एंड सेकेंड, दो कॉलम, यानी जब अगर ड्यूअल इफेक्ट आप करते हो तो उसके लिए पर्टिकुलर दो कॉलम रखने हैं आपको, एज एन डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। ऑर्डर ऑफ डेट में होना कंपलसरी है, मस्ट बी ऑर्डर इन अ डेट, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड सिक्वेंस में ही जर्नल होनी चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ डेट के अकॉर्डिंग चलना है। एंड लास्ट इज नरेशन। नरेशन उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नरेशन पॉइंट होना कंपलसरी है। ओके, तो तीन क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। नाउ टर्न इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ अ जर्नल। सिग्निफिकेंस क्या है जर्नल के, तो सबसे पहले आपका कैसे हम उसको प्रोसेसेस में लेंगे, तो सबसे पहले ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, आपको सारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स लेने हैं। जर्नल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द ओरिजिनल इन अ ऑर्डर ऑफ टाइम एंड डेट एंड नो ट्रांजेक्शन्स रिमेन अनरिकॉर्डेड। इसीलिए यहाँ पर पहला सिग्निफिकेंस दिया है कि सारे ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए, डेट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, डेट टाइम पर्टिकुलर नरेशंस के साथ, आपके कोई भी ट्रांजेक्शन्स अनरिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी मिसिंग नहीं होना चाहिए,
आप अपना वाउचर्स रफ बुक भी सामने निकाल के रखोगे और उसके बेस पे ट्रांजेक्शन्स क्रिएट्स करोगे, इसीलिए एक भी ट्रांजेक्शन्स आपके लेफ्ट नहीं होने चाहिए। डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन का मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो उसको नरेशन में करना जरूरी है, जिससे आपको कौन सा ट्रांजेक्शन आपने किया उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और अगर कोई ट्रांजेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए आपको क्या तैयार करना होता है, एज एन वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट के बेस पे भी वो बता सकता है कि भाई ये ट्रांजेक्शन के बेस पर ये क्रिएटिविटी आई है। ओके, उसके बाद इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर फ्यूचर्स। जो आपने इंफॉर्मेशन ली वो इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि वो फ्यूचर्स में आप यूज कर सकते हो। आपने जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे आप नरेशन लिख रहे हो, वर्किंग नोट लिख रहे हो, सारे ट्रांजेक्शन्स वन बाय वन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अगर क्रिएट्स है तो फ्यूचर्स में अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन निकालना हो तो ऑन द स्पॉट आप उसमें से यूज कर सकते हो। इजी फॉर पोस्टिंग, अगर जर्नल आपकी बना दी है तो आप पोस्टिंग बहुत ही ईजी कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक जर्नल तैयार है, एंट्रीज आपके पास है, तो एंट्री से पोस्टिंग करना तो और इजी हो जाएगा। आपके पास कैश अकाउंट अगर आप बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, या आप कैपिटल अकाउंट्स बनाते हो, तो जो भी लेजर आप बना रहे हो, तो अगर आपके पास जर्नल है तो खाली उसमें तो सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना, और कॉपी पेस्ट तो ईजी है। जो आपके पास अगर जर्नल ही तैयार नहीं होगी तो आप उसमें से ईजी पोस्टिंग नहीं कर सकते, फिर पोस्टिंग करने में बहुत ही दिक्कतें आएंगी। इसलिए जर्नल से हम क्या कर सकते हैं, पोस्टिंग हमारी इजी हो सकती है। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, आपका जो रिकॉर्डिंग है वो कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप बिफोर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स लेजर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डिंग इन द जर्नल बुक्स आर पर रूल्स एंड सिस्टमेटिक का मतलब ही वही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आप जाओ। जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है डेट के अकॉर्डिंग, आपका डेबिट तो डेबिट में होना चाहिए, क्रेडिट है तो क्रेडिट में होना चाहिए, आगे पीछे आप रूल्स नहीं वो कर सकते हो, खुद से कॉन्सेप्ट कभी नहीं तैयार कर सकते हो। या आपने चैप्टर वन में भी देखा था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अकाउंटिंग का एक खुद का एक टर्मिनोलॉजी होती है, खुद का एक रूल्स एंड कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, एररलेस अकाउंटिंग। अगर आप जर्नल तैयार करते हो तो आपके अकाउंट में एरर नहीं मिलेगी, और एरर नहीं ही होनी चाहिए जर्नल तैयार करते समय। क्यों? क्योंकि अगर आप जर्नल में एरर कर दिए ना, तो जर्नल से आप क्या तैयार कर रहे हो, जैसा मैंने आपको बताया था, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस शीट एंड फाइनल अकाउंट। तो आप अगर जर्नल में रॉन्ग हुआ तो आपका क्या रॉन्ग होगा, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक रॉन्ग होगी, और उसके बेस पे लेजर रॉन्ग होंगे, लेजर रॉन्ग होंगे तो उसके बेस पे ट्रायल बैलेंस शीट रॉन्ग होगी, और ट्रायल बैलेंस शीट रॉन्ग होगी तो आपका फाइनल अकाउंट भी रॉन्ग होगा। यानी एक मिस्टेक आपका पूरा अकाउंट बिगाड़ सकती है, इसलिए वो एररलेस होना चाहिए। इसीलिए तो आपको कहा गया एज एन इंट्रोडक्शन के बेस पे कि अगर आपको नहीं फा रहा है तो पहले आप ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करो, रफ बुक में तैयार करो या वाउचर्स में रिकॉर्ड करो, और लास्ट में आप वन बाय वन उसको सिस्टम्स के अकॉर्डिंग तैयार करो, तो कभी भी एरर के चांसेस आपके नहीं आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑल ओवर चार टॉपिक कंप्लीटेड कर लिए एज एन थियरी पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, उसका स्पेसिमेन लेकर, और स्पेसिमेन में क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट्स होते हैं वो तैयार करेंगे, और फिर तुरंत हम अपने सम्स के अकॉर्डिंग आ जाएंगे एज एन पॉइंट वाइज। हम पॉइंट वाइज के बेस पर, सीरियली नंबर्स के बेस पर नहीं जाएंगे, इजी टू हार्ड जाएंगे। ओके, पहले इजी सम्स लेंगे और फिर हार्ड के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो जो मैंने आज का पूरा इन्फॉर्मेशन तैयार किया है, हम मेरा वीडियोस कम्प्लीटली देखने के बाद एक बार आप टेक्स्ट बुक रिवाइज कर लेना, और इसके नोट्स भी मैं आपको भेजूंगा, वो भी आप रिकॉर्ड कर लेना, और देन आफ्टर अगर कोई डिफिकल्टीज या क्वेरीज आती है तो आप मुझे कॉल बैक या मैसेजेस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।